हफ्ते दिन में हो जाएगा। भाजपा को हम लाए थे ना, भाजपा को हम लाए, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं। 24 में महंगाई की मार, बहुत ही भ्रष्टाचारियों की बात भूल गई जुमला आप, आप भूल गई, आप भूल गई, अच्छा नौकरी आप भूल गई, मीडिया भूली है। फिर दिखाओ मैं मुसलमान हूँ, अगर किसी मुसलमान को डर लगता है तो इस देश के संविधान को बचा ले, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कागज दिखाना पड़ेगा, अगर मौलाना कागज मांगेंगे तो पंडित कागज दिखाएगा अपना। आप बोलो हमारी गवाही है, कागज है, हम ढाल है, ये हमारा देश है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भाई भाई हैं, कौन ना डालेगा भाई, हम विरोधी हो गए। सनातन सनातन विरोधी मोदी रहे, बिना पत्नी की पूजा करके आए हैं, शर्म कर लो, शर्म कर लो, कितना नियम टूटा है, शर्म कर लो, मुंह मत खुलवाओ। सोच रहे हैं कि हम मंदिर बना के संविधान खत्म करते तो संविधान रहे, बाकी कुछ रहे ना रहे। सनातन मान लिया आप लोग ईवीएम तोड़ देना है, तोड़ देंगे ईवीएम, जिन्होंने जहाँ जहाँ ये मंदिर और कॉरिडोर बनवाए हैं उसी के सामने तोड़ेंगे ईवीएम। रोक दे तो रोक लो, मंदिर जाकर तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम मंदिर बना के संविधान खत्म करते तो संविधान रहे, बाकी कुछ रहे ना रहे। सनातन विरोधी हो गए, सनातन सनातन विरोधी मोदी रहे, बिना पत्नी की पूजा करके आए हैं, शर्म कर लो, शर्म कर लो, कितना नियम टूटा है, शर्म कर लो, मुंह मत खुलवाओ। ईवीएम के लिए मंदिर जाएंगे आप? भैया मंदिर मस्जिद किसी की बाप की परमिशन जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ईवीएम तोड़ना पड़ेगा तो हम वही तोड़ेंगे, पर भगवान के सामने ही पाप फोड़ेंगे। अब तो सीए आ गया है, कानून शर्मो कुछ नहीं आने वाला, जुमला और संविधान ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। देखो दिखाना पड़ेगा, ये देखो ना ये तस्वीर दिखाओ, मैं मुसलमान हूँ, अगर किसी मुसलमान को डर लगता है तो इस देश के संविधान को बचा ले, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, दिखाना पड़ेगा मौलाना। मैं कुछ नहीं, मेरे पास सब कागज है, पहले संविधान, पहले ईवीएम के मोदी जी कागज दिखाए, पहले ईवीएम के कागज अगर अगर मौलाना कागज मांगे, अगर मौलाना कागज मांगेंगे तो पंडित कागज दिखाएगा अपना। आप बोलो हमारी गवाही है, कागज है, हम ढाल है, ये हमारा देश है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भाई भाई हैं, कौन ना डालेगा भाई, हम सीए होगा, सीए होगा, झोला पैक करा देंगे, झोला उठा चल निकल निकल अपने, पहले करेगा और हम डीएनए मांगेंगे, डीएनए डीएनए रिपोर्ट उसको देना पड़ेगा और डीएनए से पता चलेगा कि हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत के हम असली मूल निवासी हैं। जब पहली बार मोदी को जिताया था तब भी तो ईवीएम से जिताया था। महंगाई की मार, एक मिनट सिस्टर, सिस्टर एक मिनट, बहुत ही महंगाई की मार, बहुत ही भ्रष्टाचारियों की बात भूल गई जुमला आप, आप भूल गई, आप भूल गई, अच्छा नौकरी आप भूल गई, मीडिया भूली है। सीएनआरसी की नहीं, आधार कार्ड की नहीं, हमें डीएनए कार्ड की जरूरत है, डीएनए कार्ड बनाओ, सीएनआरसी छोड़ो तुम तो ले आओ, खड़े हैं यहाँ पर भाजपा, हफ्ते दिन में हो जाएगा। भाजपा को हम लाए थे ना, भाजपा को हम लाए, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं 24 में। कागज देख के देखने के बाद सुधरेगा नहीं, इंसान से गलती होती है। आयोग बेसरमो तुम धमकी देने आयो क्या, गोदी मीडिया को मीडिया को धमकी देने आए हो, कुछ कागज नहीं दिखाओगे, कागज नहीं, हमारा हम दिया कागज, पंडित मौलाना कागज पंडित दिखाएगा, हम दिखाएंगे कागज इनका, हमारे साथ क्या है, बैठिया हो गए तो देखेंगे, कोई कुछ बैठिया नहीं है, कोई कुछ बैठिया नहीं है। किसानों को भी कहा गया था, किसानों को भी कहा गया था, इस देश के क्या कहते हैं, देश को अन्न देने वालों को, तो खालिस्तानी बोल रहा, हमें जो मर्जी बोलो, हमें टेंशन नहीं है भैया, तुमको झोला पैक कराएंगे, तुम जाओगे अपने, चुनाव में 2 महीना समय, ईवीएम कैसे बंद हो पाएगा, चुनाव लेट हो जाएगा, चुनाव लेट हो, हमें मतलब नहीं है, पहले ये पूरा मसला सही होगा, उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव बैलेट पेपर से कराना होगा, चाहे वो 4 महीने बाद कराए, चाहे 5 महीने बाद कराए, लेट कर दे चुनाव की तारीख, लेट हुए बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से होगा चुनाव, तैयार है मतलब, ईवीएम तोड़ देंगे, बार बार बोले ईवीएम तोड़ देंगे, कसम महाकाल की ईवीएम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ईवीएम तोड़ देंगे। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना, कौन दल्ला है बीजेपी का, दल्ला है बीजेपी का, चुनाव आयोग चोर है, दल्ला है बीजेपी का, चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चंडीगढ़ में क्या
हुआ चंडीगढ़ में, क्या हुआ कल, कल ओपन भाई जब चुनाव आयोग, चुनाव आयोग सही कैसे हुआ जब देश का उच्चतम न्यायालय इस चीज को कह रहा है कि कोई भी चुनाव बगैर भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2023 का क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं पूरा बयान है, उसमें आप उठा के देखिए ना, तो हम कैसे मान लें। और भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम क्या कहते हैं मशीन जो बना रही है, उस कमेटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, सदस्य है, तो हम कैसे यकीन कर लें।